बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। हम बारी बारी देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बीटा पार्टिकल मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और फिर गैमा रेज ये मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और लेक्चर के एंड पे चल के मैं आपको टेबल भी बताऊंगा जिसमें सारी चीज़ें हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। आज के लेक्चर में से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विद मैटर। मैटर कहते हैं किसी मादे को। हम देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें ना, तो सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन दी हुई है। मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जितनी भी थ्योरी है ना इस टॉपिक की, आपको दो लाइनों में कवर हो जाएगी। अब आप हैरान हो गए होंगे, सर सारी थ्योरी दो लाइनों में? बिल्कुल, जब आप दो लाइनें समझ लेंगे ना, तो फिर आपको सारी थ्योरी याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब ये दो लाइनें कौन सी हैं, आपने इसको अपनी बुक की साइड पे ज़रूर लिख लेना है। सबसे पहली लाइन है बेटा आयोनाइजेशन पावर। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर किसकी है? अब मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँगा याद करने का। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है अल्फ़ा की। तो आपने अपनी बुक पर लिख लेना, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा इज़ ग्रेटर दैन गैमा इज़ ग्रेटर दैन न्यूट्रॉन। इधर एन का मतलब है न्यूट्रॉन, क्योंकि आपकी बुक वाला न्यूट्रॉन का भी जिक्र करता है एंड पे, तो मैंने न्यूट्रॉन को भी लिख दिया है। तो ये देखें आपको कितनी आसानी से याद हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अब इस तरह आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिख लेना है। आपकी पूरी की पूरी थ्योरी इन्हीं लाइनों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा की है, उससे कम बीटा की, उससे कम गैमा की, और सबसे कम न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है ना। अच्छा, अब ये तो होगी तरतीब, ये पैटर्न आपने यही याद रखना है आयोनाइजेशन पावर का। अब हम पढ़ेंगे पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। आयोनाइजेशन का मतलब तो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, यानी कि जब अल्फा पार्टिकल किसी मैटर के साथ जाके स्ट्राइक करेंगी ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस ज़्यादा बनेंगे। पेनिट्रेटिंग का मतलब है जज़ब होना, जज़ब होने की सलाहियत, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत, किसी भी मैटर में जज़ब होने की सलाहियत। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को रेंज भी कहते हैं। अब इसको कैसे याद करना है? अब इसका उलट आपने कर लेना है, यानी कि पहले क्या था, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन, अब इसके साइन उलट कर दें, अल्फ़ा इज़ लेस दैन बीटा इज़ लेस दैन गैमा इज़ लेस दैन न्यूट्रॉन। लो जी, पूरी थ्योरी अब जो मैंने आगे पढ़ानी है ना, अगर आपको कहीं पे लगे ना यार थ्योरी मुझे मिसहैप हो रहा है, कहीं आगे पीछे हो रही है, याद नहीं हो रही, तो आपने मेरी इन दो लाइनों को जहन में रख लेना है बस। जिसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है ना, उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या रेंज सबसे कम है। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की आयोनाइजेशन पावर तो सबसे कम है, लेकिन न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं रेंज की डेफिनेशन से। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो रेंज की डेफिनेशन लिखें बेटा, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन द मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये रेंज की डेफिनेशन है। अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स, सफर करते हैं वेल डिफाइंड, अच्छा खासा, जितना भी करते हैं, मसलन वो अच्छे खासे से मुराद है जितना भी करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल्स अ वेल डिफाइंड डिस्टेंस, अल्फ़ा पार्टिकल जितना भी फासला तय करते हैं कहाँ पे, इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले।
यानी कि रुकने से पहले पहले तक उन्होंने जो डिस्टेंस तय किया ना, वो डिस्टेंस उनकी रेंज कहलाएगा। रुकने से पहले पहले तक, यानी कि मैं अब चल रहा हूँ ना, अल्फा पार्टिकल चल रहे हैं, तो रुकने से पहले पहले तक उन्होंने जितना, अगर वो रुक गए हैं वहाँ पर रेंज ख़त्म हो जाएगी। तो रुकने से पहले पहले तक जो वो फासला तय कर रहे हैं ना, उसी डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। और ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेंज एंड हाउ मैनी फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन। रेंज की डेफिनेशन लिखें और रेंज बताएं किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी बुक वाला कहता है रेंज दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक कहते हैं पार्टिकल एंड, एक को हम कहते हैं मटीरियल एंड। अगर मैं पार्टिकल एंड की बात करूँ ना, तो रेंज उस पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड करती है, चार्ज, मैस, एनर्जी। ये बेटा नोट कर लें जी, रेंज किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी पार्टिकल के चार्ज के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के मैस के ऊपर, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चार्ज, मैस, एनर्जी, ये तीनों पार्टिकल की चीजें हैं। ये तो होगा पार्टिकल एंड। अगर मैं किसी मटीरियल की बात करूं तो फिर रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटीरियल के एंड तक। तो बच्चे मटेरियल के अंदर दो चीजों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, नंबर वन क्या है जी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, नंबर टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम्स ऑफ मीडियम, उस मीडियम के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर भी रेंज डिपेंड करती है। तो ये दोनों चीज़ें तो आ गई हैं जनाब मटेरियल एंड के तौर पर, और ये तीनों चीज़ें आ गई पार्टिकल एंड के तौर पर। अब ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है, और ये इन दोनों बातों को नहीं आपने भूलना लाजमी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। एज पार्टिकल्स पासिस थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, अल्फा पार्टिकल सॉलिड में से भी पास करते हैं, लिक्विड में से भी और गैस में से भी। तो जब अल्फा पार्टिकल किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में से पास करते हैं, इट लूजेस एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं ड्यू टू एक्साइटेशन। किसकी वजह से? एक्साइटेशन की वजह से। जब वो कह लें आप ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट तक जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। या आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स की वजह से, यानी कि आप आयोनाइजेशन का मतलब है ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। जब अल्फा पार्टिकल उसे उसके साथ जाके स्ट्राइक करेंगे ना, तो उस मीडियम के, उस मटेरियल के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, हम कहेंगे एटम आयोनाइज हो गए। तो आयोनाइजेशन के नतीजे में अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, आयोनाइजेशन किस वजह से होती है? दो तरीके हैं बेटा आयोनाइजेशन के। नंबर वन, आयोनाइजेशन में भी ड्यू टू डायरेक्ट या तो इलास्टिक कुलियन। आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में मोशन एंड फोर्स वाले में इलास्टिक कुलियन पढ़ी थी। कुलियन कहते हैं ना टकराना, यानी कि अल्फा पार्टिकल। अच्छा एक बात जहन में रखें, अल्फा पार्टिकल, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई साहब, आपको पता भी तो हो ना अल्फा पार्टिकल कहते किसे हैं। ये बेटा आप नोट रखेंगे, HE42 हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर याद रखेंगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा। ये चार्ज नंबर है और ये मैस नंबर है। अगर आपने इस चैप्टर के पीछे वाले लेक्चर सुने हुए हैं, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके, तो उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसके मुतालिक बताया हुआ है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको अल्फ़ा पार्टिकल। तो अब अल्फ़ा पढ़ते वक्त आपने जहन में क्या रखना है कि हम हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसका चार्ज नंबर होता है, इधर टू का मतलब टू नहीं है, इधर टू का मतलब है 2e, ई मतलब आप जानते हैं ना 1.6 तरफ 10 की पावर -19 कूलम। तो 4 मैस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन के मैस के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होता है, जिसको 4AMU भी हम कहते हैं। तो ये हम पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं, याद रखेंगे आप अल्फा के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जनाब अल्फा आयोनाइज कैसे करेंगी?
अल्फा या तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट कुलियन कर देंगी, या दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के जरिए भी कुलियन कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मैं आपको इधर समझाता हूँ, देखें एटम का सेंट्रल पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व करती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी बुक वाले ने इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन ही क्यों कहा है, रिपल्शन क्यों नहीं लिखा, अट्रैक्शन का लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ है। आयोनाइजेशन, सुने मैं आपको बताता हूँ, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है ना। अगर आप इस न्यूक्लियस की चीज़ें जानना चाहते हैं ना, तो आप लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर सुने। उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि इसकी स्फेरिकल शेप होती है, इसका रेडियस, इसकी डेंसिटी। लेक्चर नंबर 1 में न्यूक्लियर फिजिक्स 01 मुबशर अहमद, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो वो लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो बच्चे ज़रा नोट करें, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ये तो 2D पिक्चर है, हकीकत में ये 3D डायमेंशन में होता है। अल्फ़ा के ऊपर कौन सा चार्ज है बताएं, मैंने इधर लिखा था ना, ये इधर मैं इधर लिख देता हूँ, अल्फ़ा के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये कोई भी एटम है, ठीक है, जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी एटम के करीब से गुजरेंगे, तो मुझे बताएं अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इधर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो जब अल्फा पार्टिकल इस एटम के करीब से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से नॉक आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ जाएगा ना अल्फा के। तो इसीलिए आपकी बुक वाले ने लफ्ज यूज किया है इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो अट्रैक्शन का लफ्ज इसलिए यूज हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अल्फा के ऊपर पॉजिटिव है, और आपको पता है ना अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही तो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये जो एटम है ना, हम कहेंगे ये अब आयन बन चुका है, पॉजिटिव आयन बन चुका है। इसी अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जहन में रखिएगा, अल्फा पार्टिकल या तो डायरेक्ट इलास्टिक कुलियन से आयोनाइज करती हैं, या इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 7,000 times, आप इमेजिन करें, इंपॉर्टेंट MCQ है, अल्फा पार्टिकल 7,000 गुना मोर मैसिव, भारी है, किससे, देन बीटा पार्टिकल। अब आप कह रहे होंगे सर ये बीटा पार्टिकल क्या है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 7,000 गुना भारी हैं। यही वजह है कि इनका मैस बहुत ज़्यादा है, ये डिफ्लेक्ट बहुत कम होते हैं। अगर आपने मेरा रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर सुना है ना, तो वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी आपको याद है, अल्फ़ा पार्टिकल लेस डिफ्लेक्शन होती है, इनकी डिफ्लेक्शन कम है क्योंकि इनका मैस ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल हल्के होते हैं इनसे, उनका मैस कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर आपको शायद याद हो। अच्छा जी, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल, इधर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, हीलियम, He4, अल्फ़ा पार्टिकल कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं, 2 ही क्यों 3 क्यों नहीं 4 क्यों नहीं। उसकी वजह भाई साहब, अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन है ना, ये इसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर, 3 नाम है इसके। तो अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है अल्फ़ा के अंदर, 2, याद होगा आपको। ये ए होता है, इसको जेड कहते हैं, ए माइनस जेड, तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाते हैं। इक्वेशन आपको याद है ना, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। लेक्चर तरतीब से सुनेंगे फिर ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ताकि पीछे वाली बेसिक क्लियर हो। अल्फ़ा के अंदर 2 प्रोटॉन है, इसीलिए बुक वाला कहता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे। तो जब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, तो मैं कहूँगा कि अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम आपका न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया है, 2 ही क्यों,
क्योंकि उसके खुद के पास दो इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद बराबर हो गई है, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, खुद के पास दो प्रोटॉन है, तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, अब आपको पता चला कि दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों कैप्चर कर रहा है, क्योंकि उसके खुद के पास दो प्रोटॉन है। दो प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, ये नीचे से देख के, ये वाला, इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जी फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस कहते हैं चमक को। बच्चे इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पेपर में आ जाती है। फ्लोरिसेंस पहले सादा लफ्जों में समझें, फ्लोरिसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है हाई फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को जज़ब करके, हाई फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को जज़ब करके लो फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को खारिज करने के अमल को फ्लोरिसेंस कहते हैं। डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इधर मैं क्या लिखूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी, कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को जज़ब कर लेते हैं एंड री एमिटिंग, और दोबारा खारिज करते हैं, री एमिटिंग एनर्जी ऑफ, इधर मैं क्या लिखूंगा, लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को जज़ब करके लो फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं को खारिज करने के अमल को, लो फ्रीक्वेंसी वाली श्वाओं के खारिज करने के अमल को फ्लोरिसेंस कहते हैं। और वो जो श्वाएं खारिज होंगी वो किस रीजन में लाई करेंगी, विजिबल रीजन में। याद है आपको विजिबल रीजन, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, जिसको मैंने आपको रोएगी बीवी पढ़ाया हुआ है, या आप केमिस्ट्री में विब गोयर भी पढ़ते होंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर 19 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, याद होगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहरहाल आखिरी पॉइंट देखें अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस या ग्लो, अल्फा पार्टिकल चमक पैदा करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग किसके साथ, जब वो जिंक सल्फाइड या सोडियम आयोडाइड या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड, ये तीन MCQs आप लोग याद रखेंगे। जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये फ्लोरिसेंस पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं। तो ये तो बातें थी सारी अल्फा पार्टिकल की, आप इनको नोट करें, फिर हम बीटा पार्टिकल पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद मैटर, यानी कि अल्फा के बाद अब बारी है बीटा की। पहली दो लाइनें तो वही हैं, इसको नहीं मैंने मिटाना पूरे लेक्चर में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सारा इसी में से है। तो ठीक है, सबसे पहली दोनों लाइनें तो वही हैं ना, बीटा पार्टिकल्स लूजिज इनर्जी बाय प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी को लूज कर देती हैं। नंबर फोर, इट्स आयोनाइजेशन एबिलिटी 100 times less, इसको अंडरलाइन कर लें, बीटा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन पावर है ना वो 100 times कम है, किससे, अल्फा पार्टिकल से। अब जरा आए उसी बात पे, इधर देखें, अल्फा की आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है, बीटा की आयोनाइजेशन पावर, इधर देखें, सही लिखा था ना हमने, तो बीटा की आयोनाइजेशन पावर अल्फा से 100 times कम है। अब इधर नीचे देखें, अब अगर बीटा की आयोनाइजेशन अल्फा से कम है तो बीटा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा से ज़्यादा है, कितनी, 100 times। तो ये देखें नंबर फोर और नंबर फाइव, इट्स रेंज इज 100 times more, इधर क्या था लेस, इधर क्या है मोर, तो उसकी रेंज, जिसको पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को रेंज भी कहते हैं ना, तो उसकी रेंज बीटा की अल्फा से 100 times ज़्यादा है। ठीक है, नंबर सिक्स, बीटा पार्टिकल आर मोर इजीली डिफ्लेक्टेड। मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल मैसिव होते हैं, इसलिए उनका पाथ होता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना इसके बाद, विल्सन क्लाउड चैम्बर, उसमें मैं डिस्कस भी करूँगा। फिलहाल आप इतना याद कर लें, अल्फा पार्टिकल हैवी हैं इसलिए उनका पाथ स्ट्रेट है, बीटा पार्टिकल हैवी नहीं है, ये लाइटर होते हैं, ये हल्के हैं अल्फा से। अगर देखें ना, हमने क्या पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल का मैस बीटा के मुकाबले में 7000 times ज़्यादा है, इसका मतलब बीटा का मैस अल्फा से 7000 times कम है, तो मैस कम है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो मोर डिफ्लेक्शन, यानी कि ज़्यादा मुड़ जाएंगे अपने रास्ते से। ठीक है, नंबर सेवन, रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ मेजर्ड बाय
हम बीटा पार्टिकल की रेंज कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू मीडियम, के बीटा पार्टिकल किसी भी मीडियम में कितना अंदर गए हैं, कितना गहराई में गए हैं। तो जितना डेप्थ में गए हैं उतनी ही उसकी रेंज है। तो कहता हम इस चीज़ को तो देखेंगे कि कितना अंदर गए हैं। नोट बाय द लेंथ ऑफ इरेटिक पाथ, इरेटिक कहते हैं टेढ़े मेढ़े पाथ को, क्योंकि बीटा पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होता है ना बेटा, ज़िगज़ैग, ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ होता है इनकी, ठीक है। ऐसा क्यों है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जी, द मोर डेंस द मटीरियल थ्रू विच बीटा पार्टिकल पास, शॉर्टर इट्स रेंज विल बी। जितना मटीरियल ज़्यादा डेंस होगा उतनी उसकी रेंज कम होगी, MCQs याद कर लेंगे। और ये फ्लोरिसेंस क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल के एंड पे भी वही लाइन लिखी हुई है, बीटा के एंड पे भी वही लाइन लिखी हुई है। तो तकरीबन बीटा पार्टिकल वही जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड के साथ टकराकर ग्लो पैदा करती हैं। तो ये एंड वाली लाइन वही है अल्फा वाली, आप इनको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ गैमा रेज विद मैटर, पहली दोनों लाइनें वही हैं, ठीक है। गैमा रेज की जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा और बीटा दोनों से कम है, लेकिन गैमा रेज की जो रेंज है ना वो अल्फा और बीटा दोनों से ज़्यादा है। तो आइए फिर इसी चीज़ को पढ़ते हैं। नंबर थ्री पॉइंट, गैमा रेज प्रोड्यूस वेरी लिटल आयोनाइजेशन। ये देख लें, गैमा रेज की आयोनाइजेशन पावर अल्फा और बीटा दोनों से कम है, बहुत कम आयोनाइजेशन पावर है इनकी, बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज। उसकी वजह, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब याद रखेंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, गैमा को पार्टिकल नहीं कहेंगे, ये रेज हैं, ठीक है, ये लाइट पार्टिकल है। उसके बाद नंबर फोर पॉइंट पे क्या कहता है बच्चे, फोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बीम बाय स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन, यानी कि स्कैटरिंग के अमल से और अब्जॉर्प्शन के अमल से फोटोन को रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद कुछ MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि चैप्टर 19 से भी जिनका थोड़ा सा ताल्लुक है। आपने पेयर प्रोडक्शन, कॉम्प्टन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे चैप्टर 19 में। अगर गैमा रेज की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बेटा नोट कर लें, ये MCQs बड़े मशहूर हैं। इधर ई से मुराद है एनर्जी, किसकी, गैमा रेज की। नंबर सिक्स जी, अगर गैमा रेज की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी कि 0.51 और 1.02 के बिटवीन है। अब ये 0.51 आया कहाँ से है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 19 का पेयर प्रोडक्शन वाला टॉपिक समझना होगा। ये तीन लोगों का क्वेश्चन है, सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ लें। 0.51 से ज़्यादा हो और 1.02 से कम हो तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा, कॉम्प्टन इफेक्ट, और इसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है चैप्टर 19 में। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। नंबर सेवन, अगर गैमा रेज की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है तो फिर इस अमल को हम क्या कहेंगे, पेयर प्रोडक्शन। अब ये बेटा तीन MCQs बड़े मशहूर हैं, ये 0.51 आया कैसे है, इसको हमने चैप्टर 19 में पेयर प्रोडक्शन वाले टॉपिक में प्रूव करके दिखाया हुआ है। बहरहाल ये तीन MCQs आपने याद रख लेने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये चैप्टर 19 के तीन लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद जी नंबर एट, हवा के अंदर इन एयर इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ इनवर्स स्केयर ला, गैमा रेज की जो इंटेंसिटी है ना वो इस तरह फॉल करती है जिस तरह इनवर्स स्केयर ला है। और बेटा इसको आप नोट करेंगे, इनवर्स स्केयर ला किसे कहते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। आपके 21वें चैप्टर का नोवा न्यूमेरिकल 21.9 न्यूमेरिकल इस फार्मूले से सोल्व होगा, और चैप्टर 21 के न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए हैं पूरी सेकंड ईयर के, आपको न्यूमेरिकल चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं,
फिजिक्स सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको चैप्टर 12 से लेकर 21 तक हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल विद प्रॉपर कैलकुलेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी पॉइंट नंबर 9, तो एयर के अंदर तो इनवर्स स्केल है, सॉलिड के अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब एक्सपोनेंशियली से क्या मुराद है, आपने ये आई इज इक्वल टू आई नोड ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ई को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। म्यू से क्या मुराद है बच्चे, म्यू इज अ कॉन्स्टेंट, म्यू इज कॉल्ड लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशेंट, म्यू को लीनियर अब्जॉर्प्शन कोफिशेंट कहते हैं। और म्यू जो है ना, म्यू नोट कर लें, म्यू डिपेंड्स अपॉन, म्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर, और प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। म्यू डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा म्यू, उस मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब ये दो एमसी कुछ बड़े मशहूर हैं, गैमा रेज एयर के अंदर इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती हैं और सॉलिड के अंदर एक्सपोनेंशियल लॉ को। ये 21वें चैप्टर का 9वां न्यूमेरिकल इस फार्मूले से होगा, 21वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल 21.8 इस फार्मूले से होगा, I इज इक्वल टू आई नोड ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो ये दोनों न्यूमेरिकल, बल्कि सारे न्यूमेरिकल हमने पहले किए हुए हैं। तो फ्लोरिसेंस की बात वही है कि गैमा रेज जिंक सल्फाइड बेरियम प्लाटिनो साइनाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ टकराकर चमक पैदा करती हैं। ये आखिर वाला पॉइंट तीनों केसेस में वही है, तो आप इसको नोट करें जी। अब हम पढ़ेंगे इंटरैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गैमा रेज के बाद न्यूट्रॉन की बारी है। पहली दोनों लाने मैंने मिटाई नहीं पूरे लेक्चर में, क्यों बना ज़रा देखें। न्यूट्रॉन की आयोनाइजेशन पावर सबसे कम है, ज़रा देखें एंड पे लिखा हुआ मैंने, इसको मैं नाम दे लेता हूँ पॉइंट नंबर 3, 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। पॉइंट नंबर 6 देखें, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस वेरी लिटल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन, न्यूट्रॉन की आयोनाइजेशन पावर अल्फा बीटा गैमा सबसे कम है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखें, बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल्स देयर रेंज इज वेरी लार्ज, यानी कि आयोनाइजेशन पावर बहुत कम है और रेंज इसकी सबसे ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वेरी लार्ज। आप देख लें, न्यूट्रॉन की जो रेंज है वो अल्फा बीटा गैमा सबसे ज़्यादा है। और टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कौन कौन सी चीज़ का, पानी का या प्लास्टिक का, ठीक है, क्योंकि इनका रेशो बहुत कम होती ना, मैस ओवर वॉल्यूम रेशो बड़ी कम है। तो पानी और प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन को रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए। इसको प्रैक्टिकली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पानी को हम मॉडरेटर भी कहेंगे, ठीक है। तो बहरहाल इसकी डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी न्यूक्लियर रिएक्टर वाले में। नंबर 5, न्यूट्रॉन इंटरैक्ट विद हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन में से क्या फिर नॉकआउट करते हैं, प्रोटॉन। और यही वजह है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन तकरीबन बराबर है। और आपको पता है ना, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हाइड्रोजन में से प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कुलियन है ना, ये हमें यही बताती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल है। यही प्रोसेस हम आगे चल के डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में भी पढ़ेंगे। 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो चैडविक मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होगा। तो बेटा आप इसको पॉज करके ज़रा नोट करें, फिर हम टेबल को पढ़ते हैं। तो जी बेटा, ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आप ज़रा देख लें, अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गैमा रेज का। अल्फ़ा पार्टिकल की जो नेचर है आप ज़रा देख रहे होंगे, वो हीलियम है, ठीक है। बीटा की इलेक्ट्रॉन है और गैमा रेज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
अल्फा पार्टिकल रेडॉन 222 से निकलती हैं, इनका सोर्स है। बीटा पार्टिकल का सोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्शियम 94 और गैमा का कोबाल्ट 60। और आपको पता है कि अल्फा आयोनाइजेशन, अल्फा की जो आयोनाइजेशन पावर है वो तकरीबन 10^4 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और उसके उससे कम आयोनाइजेशन पावर बीटा की है 10^2, यानी कि 100 टाइम। और सबसे कम आयोनाइजेशन पावर गैमा की है। और जिसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम है। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा की जो रेंज है वो सबसे कम है, सेवरल सेंटीमीटर, ठीक है, उससे ज़्यादा बीटा की मीटर के अंदर है, जबकि गैमा इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज बहुत कम है ना, इसी वजह से ये सिर्फ एक पेपर में से पास करेंगी, जबकि बीटा पार्टिकल 1 से लेके 5 मिलीमीटर एलुमिनियम की शीट में से भी पास कर सकती हैं, जबकि गैमा 1 से 10 सेंटीमीटर लेड शीट में से भी पास कर सकती हैं। आप देख रहे हैं कि गैमा की रेंज सबसे ज़्यादा है। और एनर्जी स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, एमिटेड विद द सेम एनर्जी, अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, बीटा की एनर्जी वेरिएबल होगी और गैमा की भी वेरिएबल होगी। अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड होती है 10^7 मीटर पर सेकेंड, और बीटा की होती है 10^8, और गैमा की स्पीड होती है 3×10^8, क्योंकि ये गैमा रेज है ना, तो इनकी स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड होती है। तो बच्चे आप ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ, आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये टेबल आपके पेपर में MCQs में आता है। तो जी बेटा, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर के बारे में फीडबैक आप ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।